दल बदल पर सिंघार बोले, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का पेड़ सूखा नहीं, नए पत्ते आएंगे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दल बदल पर सिंघार बोले, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का पेड़ सूखा नहीं, नए पत्ते आएंगे। 40% वोट हमारे पास। उमंग सिंघार मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हाईकमान ने उमंग के साथ जीतू पटवारी को PCC चीफ और अटेर विधायक हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर्स के बजाय पार्टी ने यंग लीडर्स को कमान दी। लोकसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, विधायक कमलेश शाह से लेकर करीब 10 पूर्व विधायकों ने BJP ज्वाइन कर ली है। सिंघार का कहना है कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का पेड़ सूखा नहीं है, उसमें नए पत्ते आएंगे। अब भी 40% वोट हमारे पास है। स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम अपेक्षा के विपरीत आए थे, लेकिन मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है उतना ही वोट कांग्रेस को मिलता है। करीब 40% वोट के आसपास है। कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रदेश में हम मजबूत हैं। चुनावों में कई तात्कालिक कारण होते हैं। इस लोकसभा चुनाव में कई चीजें बदलने वाली हैं जो भविष्य में दिखेंगी। 2023 में जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में आए थे। अब BJP की तरफ से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर राज्य में चुनाव के समय ऐसा होता है। जो कांग्रेस का वोटर और कार्यकर्ता है, वो हमेशा पार्टी के साथ है। पार्टी छोड़कर जाने की वजह तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 75 साल की उम्र में अगर आप ऐसा फैसला लेते हैं तो गलत है। पार्टी ने आपको 4 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनका ये निर्णय अजीब है। अगर मैं 75 साल की उम्र में होता तो ऐसा निर्णय नहीं लेता। पार्टी में निष्ठा की बात है। जब सरकार गिर रही थी तब कई प्रलोभन आए। मैंने पार्टी में निष्ठा और वफादारी रखी है, इसके कारण ही पार्टी ने मुझे CLP लीडर के रूप में नवाजा है। मेरा मानना था कि सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये पार्टी का फैसला है कि किसको चुनाव लड़ाना है या नहीं, किसको कैंपेन देखना है, उस हिसाब से पार्टी निर्णय करती है। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी ये आंकड़े कहां से लेकर आई है, इन आंकड़ों की सच्चाई क्या है। उनके आंकड़े तो बहुत रहते हैं। अभी जैसे इन्होंने एक आंकड़ा दिया है, अब की बार 400 पार। आपने जो ये नारा दिया है, इससे लगता है कि पहले से ही आपको परिणाम पता है और कहीं ना कहीं आपकी कोई सेटिंग है। मैं भाजपा और सभी नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास 400 की गारंटी है तो अपने साथ 40 पार्टियों का जो गठबंधन करके जो बैसाखी बनाई है, आप वो बैसाखी देश को नहीं बताना चाहते हैं। आप सिर्फ नारा देना जानते हैं, लेकिन 40 पार्टियों की बैसाखी के साथ चलते हैं। किसी को समझाएं, मनाएं, मनाने के बाद भी अगर कोई जाना चाहे तो उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, उसको तो आप रोक नहीं सकते। अगर किसी को जाना ही है तो वो जाएगा, ये तो जीवन चक्र है। नए पत्ते भी बहुत सारे कांग्रेस में हैं। कांग्रेस का पेड़ सूखा नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। इतने साल से 38-40% वोट कांग्रेस के पास है, ये प्रमाण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।